please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहले T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखा। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 203 रन का स्कोर खड़ा किया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों में टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पावर प्ले में यानी पहले 6 ओवर में 78 रन बना लिए। पावर प्ले में किसी भी टीम के खिलाफ ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया 77 रन का स्कोर भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। कुछ रिकॉर्ड खिलाड़ियों के नाम भी दर्ज हुए, जिनमें पहला नाम शिखर धवन का रहा। धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बन गए। धवन ने 28 गेंद पर 50 रन पूरे किए। पहले 32 गेंद पर हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। इसी मैच में एक रिकॉर्ड धोनी के नाम भी जुड़ गया। धोनी अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। धोनी ने मैच के दौरान करियर का 134वां कैच लपका। वहीं कुमार संगकारा के 133 मैच के रिकॉर्ड को तोड़ा। इसी मैच में एक रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम पर भी जुड़ गया। भुवनेश्वर ने मैच में 5 विकेट लिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार दुनिया के अकेले गेंदबाज बन गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक कर्मचारी ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हेम सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सरकारी स्कूल के एक प्रधानाचार्य को 8वीं की एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में घुसकर 25 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइकों पर सवार 7 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सतना में पुरानी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने एक लड़के पर तेजाब से हमला किया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के करौली में 83 साल के एक बुजुर्ग ने 30 साल की एक लड़की से शादी की। मुंबई के साकीनाका में एक गोदाम में अचानक लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के रोहतास में एक दिव्यांग की लाश मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पीडब्ल्यूडी मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। नईम अख्तर की दलील है कि कश्मीर समस्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला नहीं है, बल्कि इसमें चीन भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। नईम अख्तर का दावा है कि चीन जम्मू कश्मीर में अपना दखल बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को गोद ले रखा है। नईम अख्तर का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में सब जो जितने भी बड़े हमले हुए वो जैश ने ही करवाए। यही वजह है कि चीन ने जैश के मुख्य आतंकी मसूद अजहर को पूरी शह दे रखी है और वो उसे संयुक्त राष्ट्र में आतंकी घोषित करने की कोशिश को हर बार नाकाम कर देता है। नईम अख्तर का मानना है कि चीन के बढ़ते असर को देखते हुए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अब अलग नहीं है। रक्षा मंत्रालय के जानकार पीके सैगल ने पीडीपी के मंत्री के बयान को अहम बताते हुए चीन के दखल पर चिंता जाहिर की। महबूबा मुफ्ती हर दिन कहती है बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, बातचीत के बदले हिंदुस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है बड़ी स्ट्रांग और पॉजिटिव होनी चाहिए। हमको हर हालत में जो उसके लॉन्च पैड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। दिल्ली के मयूर विहार में एक घायल लड़का अपने जख्मों को दिखाने लगा। इस लड़के का आरोप है कि कुछ बदमाशों ने सरिप बाजार उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका एक पाव टूट गया और नाक पर चोट आई। बदमाशों के पीटने का वीडियो वहां की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ बदमाश इस लड़के को डंडे से पीट रहे थे। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान उन्होंने लड़के को जमीन पर पटक दिया और उस पर लाठियां बरसाई। लड़के के साथ हो रही मारपीट के वक्त दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डंडों से रॉड से मुझे मारा। 100-150 आदमी जो कि खड़े थे और सभी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।